चंबल संभागयुक्त संजीव कुमार झा आए कराहल। एसडीएम व तहसीलदार न्यायालय कराहल का किया निरीक्षण। खबर श्योपुर से है, जहां राजस्व महाअभियान के तहत चंबल संभागयुक्त संजीव कुमार झा ने आज गुरुवार को श्योपुर जिले की तहसील कराहल के एसडीएम व तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील न्यायालय में नामांतरण बंटवारा व समग्र ईकेवाईसी के प्रकरणों की जाँच की गई। कमिश्नर ने फास्ट समाचार चैनल के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र के सभी कृषक अपने खसरे को समग्र आईडी और आधार से लिंक जरूर करवा लें, साथ ही जिससे शासन को सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाएगा और इसके लिए वे पटवारी से मिले ऑनलाइन सर्विस केंद्रों पर जाएं। करहल तहसील की वर्क प्रोग्रेस पर खुश तो परिसर में फैली गंदगी पर नाराज भी हुए कमिश्नर। जहां एक और चंबल आयुक्त तहसील की परफॉर्मेंस पर संतुष्ट नजर आए, उन्होंने कहा कि पिछड़े इलाके में होने के बावजूद भी तहसील का प्रदर्शन अन्य जगह की तहसील की तरह ही है। सब कुछ ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ चुका है, मैंने स्वयं चेक किया है। वहीं दूसरी ओर परिसर में व्याप्त गंदगी पर आयुक्त नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि करहल तहसील भवन तो ठीक है, मगर इसमें साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ गंदगी व्याप्त है, साफ सफाई पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। कलेक्टर जांगिट की प्रशासनिक सर्जरी पर खुश कमिश्नर, बोले विभागीय सुधार के लिए बहुत जरूरी है। कलेक्टर अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके प्रयासों से जिले का रिकॉर्ड 100% दर्ज होगा। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर आज आप तहसील निरीक्षण करने आए, सर क्या अभियान है? अभी शासन द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नामांतरण बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शे में तरमीम, इन चीज़ों को फोकस करते हुए जो पेंडिंग काम है उसको पूरी तरह से निपटाया जा रहा है। तो मुझे बताते हुए आपको बड़ा खुशी हो रहा है कि लगभग हमारे तीनों जिलों में हम लोग 80% से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, और जो पुराना टारगेट था जो 30 जून की स्थिति में पेंडिंग थे, और मुझे विश्वास है कि हमारा जिला श्योपुर जिला भी 100% तत्काल जल्दी ही कर लेगा। इस दौरान जो नए केसेस आ रहे हैं, नए केसेस भी दर्ज कर रहे हैं, उसको भी समय सीमा में निराकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही हम ये मैं इस आपके माध्यम से अपील करना चाह रहा हूँ, इस दौरान ईकेवाईसी कराने पे जोर है, ईकेवाईसी नक्शे में तरमीम कराने में जोर है। इसमें कृषक लोगों से अनुरोध है कि वो अपना समय निकाल के हमारे पटवारी के साथ बैठ के या सर्विस सेंटर जाके अपना ईकेवाईसी से अपने खसरे को समग्र आधार से लिंक करा लें, जिससे आगे जाके उनको कई सहूलियतें मिल पाएंगी। क्या सर तहसील में कोई सर व्यवस्था में कमी पाई गई है सर आपके द्वारा? तहसील जैसी है, तहसील ठीक है, थोड़ा सा साफ सफाई के बारे में मैंने देखा है, बाकी तो यहाँ सिस्टम तो ऑनलाइन हो गया है, मैंने देख लिया, अच्छा है। मैंने खुद चेक कर लिया कि ऑनलाइन अच्छा कर रहे हैं, और इतना यहाँ पिछड़े हुए इलाके में होने के बाद भी तहसील का परफॉर्मेंस बाकी तहसील जैसा वैसा ही है, ये अच्छी बात है। इस परफॉर्मेंस में सर कहीं ना कहीं कलेक्टर लोकेश जांगड़ी जी का अहम योगदान है, क्योंकि उनके होते हुए सभी विभाग समय पर खुलते हैं, अधिकारी आते हैं, सर इस पर क्या कहते हैं? नहीं सर, पहली बार कलेक्टर बने हैं, बड़े जोश है। और मैंने यहाँ के देखा एक चीज़ जो बड़ा अच्छा लगा मुझे, यहाँ के सारे स्टाफ को चेंज कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये रोटेशन करने से क्या होता है कि जो कार्य में सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट होता है, ये अच्छा हुआ है, मतलब ये अच्छा स्टेप है। और इसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि करहाल का भी नाम एक अच्छे तहसील के रूप में स्थापित हो जाएगा, जो ये कर रहे हैं उससे। कुछ कमी है, जो बेचारा पुरानी बिल्डिंग है, मैंने कहा है कि थोड़ा बिल्डिंग का मेंटेनेंस देख लें, कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो उसको जो क्लीनलीनेस कहते हैं वो दिखने लग जाए। मेरे ख्याल से ये आगे जब आऊँगा तो फिर ये कवाल में आता रहूँगा, अगली बार जब आऊँगा तो ये सब मुझे साफ सफाई पूरा अच्छी तरह से मिल जाएगा। बाकी तहसील का परफॉर्मेंस बाकी तहसीलों के बराबर है।